क्या आप भी चाहते हो कि आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओ, या फिर आपको दुनिया की सारी भाषाएं बोलनी आ जाएं, और वो भी किसी बोरिंग सी कोचिंग क्लास में जाकर नहीं बल्कि उसी देश में रहकर। जैसे अगर आपको जापानीज सीखनी है तो आप जापान में जाकर उसे सीखो, अगर आपको फ्रेंच सीखनी है तो आप फ्रांस में जाकर उसे सीखो, या अगर आपके पास दिन में 14 से 16 घंटे जब आप जगे होते हो वो कम पड़ जाते हैं और आप अपने पूरे 24 घंटे को काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो और वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, तो ये वीडियो पूरी देखना। और आज आपको इस वीडियो से ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी दुनिया और आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। एक एवरेज इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताता है, और एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि जब आप सो रहे होते हो तो आप 3 से 5 बार सपना देखते हो, लेकिन आपके उठने के कुछ सेकंड्स के बाद ही आप सब कुछ भूल जाते हो। बस कभी कभी आपको सपने का थोड़ा सा हिस्सा याद रह जाता है। आज हम सपने की ही एक बहुत ही अजीब लेकिन साइंटिफिकली प्रूफ कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, ल्यूसिड ड्रीमिंग। ये एक ऐसा सपना है जिसमें जब आप सपना देख रहे होते हो तो आपको ये पता होता है कि आप सपना देख रहे हो। जैसे नॉर्मली जब आप सपना देखते हो तो आपका कॉन्शियसनेस आपके काबू में नहीं होता, लेकिन ल्यूसिड ड्रीमिंग में आप अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर अपने सपने को खुद कंट्रोल कर सकते हो। यानी सपने में आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप चाहो तो एक जंप से धरती से चांद पर जा सकते हो, या फिर किसी स्किल को डेवलप करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चाहो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनकर उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप कैसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कर सकते हो, और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ गलतियां भी बताऊंगा जो ज्यादातर लोग जब ल्यूसिड ड्रीम देखना शुरू करते हैं तो वो उन सारी गलतियों की वजह से अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल देते हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं होता, और आपको वो गलतियां नहीं करनी है। आप ल्यूसिड ड्रीम कैसे देख सकते हो, उसे जानने से पहले आपको नींद और सपनों के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हमारी नींद बेसिकली 4 स्टेजेस में होती है। स्टेज 1, लाइट स्लीप। ये हमारी सबसे पहली और सबसे कमजोर नींद की स्टेज होती है। इसे ही नॉर्मली कच्ची नींद बोला जाता है। इस स्टेज में आप अपने मसल टोन्स को खोना शुरू कर देते हो। इसमें आपके दिमाग की फ्रिक्वेंसी 4 हर्ट्ज से 7 हर्ट्ज तक हो जाती है। स्टेज 2, इसमें आपकी नींद थोड़ी सी और ज्यादा गहरी हो जाती है और आप अपने कॉन्शियसनेस को खोने लगते हो। इस स्टेज में आपको आपके आसपास की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। स्टेज 3, इसे हम स्लो वेव स्लीप भी बोलते हैं। इसमें आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। ये एक तरह से गहरी नींद ही होती है। अगर आपको कोई इस स्टेज से उठा देता है तो आपका सर भारी भारी सा महसूस होने लगता है, और उठने के पहले कुछ सेकंड्स तक आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आपके आसपास हो क्या रहा है। और लास्ट स्टेज है स्टेज 4, जो कि सबसे डीप स्लीप वाली स्टेज है। इसे हम रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपकी आंखें बंद होने के बावजूद बहुत ही तेजी से मूव कर रही होती है। ये स्टेज ल्यूसिड ड्रीमिंग के लिए सबसे जरूरी स्टेज है, क्योंकि ज्यादातर सपने इसी स्टेज में दिखाई देते हैं। ये चारों स्टेज मिलकर एक स्लीप साइकिल बनाती हैं, और एक साइकिल करीब 90 मिनट तक चलती है, और 6 से 8 घंटे की नींद में आप ऐसे 4 से 5 स्लीप साइकिल कंप्लीट कर लेते हो। अब आपको नींद और सपनों के बारे में काफी बेसिक जानकारी मिल चुकी है, तो अब देखते हैं कि आप ल्यूसिड ड्रीमिंग कैसे देख सकते हो। सबसे पहली टेक्निक है ड्रीम जर्नल बनाना। जर्नल का मतलब होता है एक पेपर या डायरी में चीजों को सीक्वेंस वाइज लिखना। अगर आपको ल्यूसिड ड्रीम देखना है तो सबसे पहले आपको अपने सपनों के पैटर्न्स को याद करना होगा। हर इंसान को एक अपने अलग तरीके के पैटर्न से सपने आते हैं, और आपको ये बात पता नहीं चलती क्योंकि उठने के कुछ सेकंड्स के बाद ही आप इसे भूल जाते हो। ल्यूसिड ड्रीमिंग के लिए आपको सबसे पहले अपने सपने के पैटर्न को ही पहचानना है। अब जितनी आसानी से मैंने आपको ये बात बोल दी, असल में सपनों के पैटर्न को याद कर पाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। लोगों को अपने सपनों के पैटर्न को समझने में कई महीनों का समय लग जाता है, लेकिन अगर आपका दिमाग शांत रहता है सोते वक्त, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है या फिर काफी शांत रहती है, तो उसे ये करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कुछ ही हफ्तों में उसे समझ आ जाएगा कि उसके सपनों का पैटर्न क्या है, यानी उसे कौन कौन सी जगहों के सपने कब कब आते हैं, वो वहाँ कैसे पहुँच जाता है। और इस तरीके से आपको आपके सपने के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। अब मैंने आपको बताया कि आप एक रात में 3 से 5 बार सपने देख लेते हो, तो आप उन सबको कैसे याद करोगे? देखो, आपको उन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। आपका जब भी उठने का टाइम होता है तो आप उससे 2 घंटे पहले का अलार्म लगा लो। जैसे आप रोज 6 बजे उठते हो तो आप 4 बजे का अलार्म लगाओ, और 4 बजे उठते ही आप याद करने की कोशिश करो कि आपने सपने में क्या देखा था। पहले, दूसरे
तीसरे या लगातार एक हफ्ते के बाद भी हो सकता है आपको उठने के बाद सपने का कुछ भी हिस्सा याद ना आए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको वो याद आने लगेगा। और जैसे ही आपको वो याद आ जाए, आप अपने पास रखी एक डायरी में उसे तुरंत लिख लीजिए। उसके बाद आप ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में सोचते रहिए और उसी के बारे में सोचते सोचते फिर से सो जाइए। अब हो सकता है कि स्टार्टिंग में इससे आपकी नींद खराब हो, लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ही बेहतरीन होगा। इसके बाद दूसरी टेक्निक है अवेकिंग एंकर्स या फिर रियलिटी चेक करने की। ये सुनने में थोड़ा सा स्टूपिड साउंड जरूर करेगा, लेकिन यकीन मानो, एक बार आपने अपने सपनों पर काबू करना सीख लिया तो आप उसकी मदद से अपनी लाइफ में कितना चेंज कर सकते हो, ये अभी आप सोच भी नहीं सकते। तो रियलिटी चेक ये है कि जैसे ही आपको अपना ड्रीमिंग पैटर्न पता चल गया, तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जैसा ज्यादातर आपके सपने में होता है, तो आप तुरंत रुको और अपने आप से पूछो कि कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे। अब आप अलग अलग तरीकों से रियलिटी चेक कर सकते हो, या तो आप दौड़ सकते हो, क्योंकि आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी आप सपने में होते हो तो आप काफी तेजी से दौड़ नहीं पाते। इसकी वजह है कि सपने देखते वक्त आपके दिमाग का एनालिटिकल पोर्शन यानी आपका लेफ्ट ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है और आपका सिर्फ राइट ब्रेन एक्टिव रहता है। इसीलिए सपने में आप डिस्टेंस और स्पीड को समझ नहीं पाते और आपको लगता है कि पूरी कोशिश करने के बाद भी आप दौड़ नहीं पा रहे। दौड़ने के अलावा रियलिटी चेक के लिए आप अपनी घड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो आप सपने में टाइम देख रहे हो और टाइम हो रहा है 3:15। अब जैसे ही आप अपनी घड़ी से नजर हटाकर तुरंत उसे दोबारा देखोगे तो वहाँ पर टाइम कुछ और ही हो रहा होगा। जैसे पहले 3:15 थे तो अब 12 रहे होंगे, या फिर कुछ और रैंडम सा नंबर। तो आप इसे भी रियलिटी चेक करने के लिए अपना एंकर पॉइंट बना सकते हो। ऐसा करने से आप अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने पर काम कर रहे हो। ऐसा करने से जब भी आप सपने में होंगे और आप रियलिटी चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सपना देख रहे हो या फिर रियल वर्ल्ड में हो। आपको अपना रियलिटी चेक बार बार करना है ताकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और ऐसा करना आपकी एक आदत बन जाए। ऐसा करने के लिए टाइम देखना एक बेस्ट ऑप्शन है। आप अपनी आदत बना लो कि आप जब भी टाइम देखो तो 2 देखो और नोटिस करो कि दोनों बार टाइम में कोई चेंज आया या नहीं। अब ये सब करने के बाद लास्ट स्टेप है स्टेबलाइजेशन। ऐसा हो सकता है कि आप सपने में कुछ ऐसा देख लो या फिर कुछ ऐसा कर लो जिससे आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ कि आपकी नींद ही टूट जाए। इसीलिए आपको अपने दिमाग को स्टेबल करना होगा। ऐसा करने के लिए आपके पास 2 हैं। पहला, आप अपने सेंसेस पर फोकस कर सकते हो। अपनी सेंसेस पर फोकस करना यानी सपने के अंदर किसी आवाज या फिर किसी विजुअल चीज को देखते रहना या उस पर फोकस करने से आप अपने सपने को स्टेबल कर सकते हो। और ऐसा करने से आपके दिमाग का फोकस आपके सपने के अंदर ही रहेगा और आप उठोगे नहीं। और दूसरा तरीका है अपने सपने में गोल गोल घूमना। इससे भी आपका ड्रीम स्टेबल हो सकता है। हाँ, शायद आपको ये सब सुनकर हंसी आ रही होगी, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूफ थ्योरी है जिसे एक बहुत ही फेमस बुक एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ ल्यूसिड ड्रीमिंग में बताया गया है। शायद आप में से बहुतों ने इंसेप्शन मूवी तो देखी होगी। वो मूवी पूरी की पूरी ल्यूसिड ड्रीमिंग पर ही बेस्ड है। जिसने भी ये मूवी नहीं देखी, एक बार आप इसे जरूर देखना। अब मैंने आपको वो सारी टेक्निक्स बता दी कि आप कैसे ल्यूसिड ड्रीम को देख सकते हो। अब देखते हैं कि बिगिनर्स ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे वो अपने दिमाग पर अनचाहा स्ट्रेस डालने लगते हैं, और आपको ल्यूसिड ड्रीमिंग की शुरुआत में क्या क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, ट्राइंग टू हार्ड, यानी लोग इसे जल्दी से जल्दी सीखने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं कि वो अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। हमेशा उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी सोशल लाइफ को पूरी तरह छोड़ देते हैं। ऐसा करने से वो कुछ ही दिनों में परेशान हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। ये टेक्निक सीखने में जितना टाइम लगता है, आप आराम से उसे अपना पूरा टाइम लेकर सीखो। ज्यादा जोर देने से भी आप चीजों को याद नहीं रख पाओगे, और ल्यूसिड ड्रीम में वही करना सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, हमेशा खुद को याद दिलाते रहो कि आप सपने में हो। सपने के अंदर आपका कॉन्शियसनेस बहुत ही वीक होता है। थोड़ा सा भी ध्यान भटकने से आपका कॉन्शियसनेस टूट जाएगा और आप सपने से अपना कंट्रोल खो दोगे। तो अगर आपने एक बार अपने सपने पर कंट्रोल पा लिया, तो आप टाइम टू टाइम अपने आप को याद दिलाते रहो कि आप सपने के अंदर हो। नंबर 3, अपने सपने को स्टेबल रखो। बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं और अपने सपने को स्टेबल करने पर सबसे कम ध्यान देते हैं, लेकिन आपको अपने सपने को स्टेबल करने में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये थी ल्यूसिड ड्रीमिंग से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको आज से पहले नहीं पता होंगी, और इसके इस्तेमाल से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो।
अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप इसे दोबारा देखो। यह सब सुनने में जितना आसान लगता है, असल में इसे करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर इसका इनाम भी उतना ही ज्यादा बड़ा है। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं।